अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, आई एम योर कंप्यूटर टीचर, होप सो यू आर ऑल वेल। टुडे इज़ मंडे एंड डेट इज़ 29 जून 2020। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 7, दैट इज़ हैंगिंग इंडेंट एंड फोन्स। सो क्लास स्टार्ट करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक जो है हमारे पास हैंगिंग इंडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने अलाइनमेंट, जस्टिफाइड और सेंटर वगैरह के बारे में पढ़ा था कि अपने टेक्स्ट को किस तरह हम लोगों ने जस्टिफाई वगैरह करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे हैंगिंग इंडेंट क्या होता है हमारा एमएस वर्ड में। हैंगिंग इंडेंट क्या करता है कि हैंगिंग इंडेंट फीचर हर लाइन को इंडेंट करता है सिवाय पहली लाइन के, ठीक है। हर लाइन को इंडेंट करेगा लेकिन फर्स्ट लाइन को वो नहीं इंडेंट करेगा, ठीक है। पहली लाइन और उसके जो अमाउंट है बाय फील्ड में बताई जाती है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को फॉलोइंग पैराग्राफ में दिखाया गया है, ये आप लोग के पास एक पैराग्राफ है, इसको आप लोग एक दफ़ा खुद देख लेंगे। आगे इसमें क्या क्लास बता रहा है कि जो आप जब आप फॉलोइंग पैराग्राफ टाइप करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पैराग्राफ एक इंच दोनों तरफ से एडेंट हो गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप एक नया पैराग्राफ टाइप करते हैं तो जो सेटिंग पिछले पैराग्राफ की थी वही नई पैराग्राफ में अप्लाई होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडेंट को रीसेट, अगर आप लोग चाहें तो आप अपने इंडेंट को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आप लोग ये पैराग्राफ टाइप करेंगे, ठीक है। आगे इसका क्या फॉर्मेट है, मेन्यू में से फॉर्मेट पैराग्राफ की कमांड को सिलेक्ट करें, ठीक है। सॉरी, पहले आप लोग क्या करेंगे, इस जो आप लोगों के पास पैराग्राफ है जो टाइप है पहले से, उसको आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। फिर क्या करेंगे, मेन्यू में से फॉर्मेट पैराग्राफ की कमांड को चूज़ करेंगे, इंडेंट्स और स्पेसेस टैब को सिलेक्ट करें, स्पेशल फील्ड में पुल डाउन मेन्यू को क्लिक करके ओपन करें, हैंगिंग को क्लिक करें, बाय बॉक्स में 2.0 टाइप करें, ओके को क्लिक करें, हैंगिंग इंडेंट के बाद आने वाले कॉलन पर कर्सर को रखें, फिर क्या करें, टैब की को प्रेस करें, ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या था, हैंगिंग इंडेंट। अब आप लोग के पास क्या है, फॉन्ट्स। फॉन्ट्स का सबको पता होगा कि फॉन्ट्स हमारे पास क्या होते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ फॉन्ट्स क्या है हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप फेस बताने के लिए फ़ॉन्ट की जो आप लोग के पास इस्लाह होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इस फीचर का जो आप लोग के पास तफसील है वो हमारे पास फॉलोइंग है। चेंज द फ़ॉन्ट यूजिंग द मेन्यू, फ़ॉन्ट को मेन्यू में से चेंज करना है, ठीक है। हाईलाइट एरियल, एरियल को हाईलाइट करें, मेन्यू से फॉर्मेट फोन को सिलेक्ट करें, फॉन्ट के टैब को चूज़ करें, फॉन्ट फील्ड के नीचे वाले बॉक्स में एरियल को क्लिक करें, ओके को क्लिक करें, उसके बाद कोरियर को क्या आप लोगों ने क्या करना है, हाईलाइट करना है। आगे आप लोगों ने क्या करना है, मेन्यू में से फॉर्मेट फॉन्ट की कमांड सेलेक्ट करें, फॉन्ट के टैब को सेलेक्ट करें, फॉन्ट फील्ड के नीचे वाले बॉक्स में कोरियर न्यू को क्लिक करें, उसके बाद क्या करना है, ओके को क्लिक करें, टाइम्स न्यू रोमन को हाईलाइट करें, फ़ॉन्ट के टैब को सिलेक्ट करें। अच्छा स्टूडेंट, टाइम्स न्यू रोमन जो आप लोग के पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। फ़ॉन्ट के टैब को चूज़ करें, फ़ॉन्ट फील्ड के नीचे वाले बॉक्स में टाइम्स न्यू रोमन को क्लिक करें, फिर आप लोगों ने ओके को क्लिक कर दिया। सॉरी, आपका टेक्स्ट अब कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसे कि इसने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास टॉपिक चेंज द फ़ॉन्ट बाय यूजिंग द फ़ॉन्ट मेटिंग टूल बार। इसमें आप लोगों को उसने पिक्चर भी शो कर दिया, ठीक है। अब इसमें वो क्या बता रहा है कि एरियल कोरियल टाइम्स न्यू रोमन को हाईलाइट करें। आगे क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्टेट स्पेस बार को प्रेस करें, कंट्रोल प्लस स्पेस बार फॉर्मेटिंग को असली हालत में सेट कर देना है। आप लोगों ने यहाँ पे कर देता है, ठीक है। एरियल को हाईलाइट करें, फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट पुल डाउन मेन्यू को क्लिक करके ओपन करें, एरियल को क्लिक करें, अब कोरियर को हाईलाइट करें, फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट पुल डाउन मेन्यू को क्लिक करके ओपन करें, कोरियर को क्लिक करें। अब दोबारा टाइम्स न्यू रोमन को आप लोगों ने क्या करना है, हाईलाइट करना है। आपका टेक्स्ट जो है वो इस शक्ल में नज़र आएगा जैसे कि इन्होंने ये दिखाया हुआ है। तो आप लोगों का जो आज का जो टॉपिक था वो यही था, इसको आप लोगों ने अप्लाई करके देखना है। ये आप लोगों के पास जो इन्होंने बार दी हुई है यहीं पर आप लोगों को एमएस वर्ड में भी शो होती है। आप लोगों ने यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, या आप लोगों का फ़ॉन्ट साइज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। आगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है, इसको मैं आप लोगों को इसको भी पढ़ाऊँगी। इसके अलावा आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको याद करना है, याद तो नहीं करने वाला काम, इसको समझना है, ठीक है। ये आप लोगों को उसने सारा काम बताया हुआ है प्रैक्टिकली, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली इसको करके देख लें,